सो गाइस फाइनली सैमसंग गैलेक्सी S7 और S7 Edge के लिए 1 UI 2.0 का रोम आ गया है जो कि पोर्टेड है S9 Plus से, जिसका परफॉर्मेंस का मैं आज बात करने वाला हूँ, इसको इंस्टॉलेशन गाइड भी देने वाला हूँ कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले इसका फिंगरप्रिंट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं आपको एंड्रॉइड वर्जन इसका दिखा देता हूँ कि एंड्रॉइड वर्जन कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग को एंड्रॉइड 10 देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, यहाँ पे 1 UI 2.0 यहाँ पे लिखा हुआ हम लोग को दिख जाता है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हम लोग को पूरा 1 UI का UI देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग को बैटरी वगैरह और सारे चीज़ बिल्कुल 1 UI 2.0 का देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो डिस्प्ले में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है, क्वाड HD, HD, फुल HD में सेट करने में आराम से स्मूथली चल रहा है। पर यहाँ पे एक चीज़ से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हुआ कि यहाँ पे हम लोग को फेस अनलॉक नहीं मिलता है, जैसे कि ब्लैक डायमंड के 1 UI 1.0 में मिलता था, पर इस रूम में ये चीज़ नहीं देखने को मिल रहा है। पर हो सकता है कि फ्यूचर में हम लोग को देखने को मिले, पर उतना मैटर भी नहीं करता मेरे लिए स्पेशली। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक लाइट जो है वो बंद कर दिया गया, उससे बैटरी बैकअप बहुत अच्छा हो गया इसका। मैं बताऊँ तो इस रूम का बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एनिमेशन, जैसे कि मैं कोई ऐप को मूव करता हूँ तो अलग सा एनिमेशन हो गया है 2.0 वाला, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हम लोग सेफ्टी नेट की बात करें तो बहुत से आजकल के रूम में सेफ्टी नेट देखने को नहीं मिलता है, फेल हो जाता है, पर इसमें बिल्कुल अच्छे से सेफ्टी नेट चला है, जिसके कारण हम लोग ऑनलाइन पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो ऐप बहुत ज़्यादा स्पीडली खुल रहा है, आज तक मैं जितने भी रूम ट्राई किया हूँ सबसे ज़्यादा अच्छा इसी में कोई भी ऐप्स खुल रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स भी अच्छे से वर्क कर रहा है, कोई भी नेटफ्लिक्स हम लोग को इशू देखने को नहीं मिल रहा है। अब मैं इसका एंटीटू बेंचमार्क स्कोर दिखा देता हूँ आपको, तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं इसका एंटीटू बेंचमार्क स्कोर। सो गाइस यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया इसका एंटीटू बेंचमार्क स्कोर देख के, जैसे कि आप देख सकते हैं 1,83,791 आया, और मैं पुराना रोम जो इंस्टॉल किया तो उसमें आया था 1,36,000, पर इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हो गया, इसका मतलब कि ओवरऑल बहुत ज़्यादा होगा। पर एक मुझे यहाँ पे बग देखने को मिला है जो कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे वॉलपेपर सेट करता हूँ S9 Plus का, यहाँ पे हम लोग को स्टॉक वॉलपेपर S9 Plus का देखने को मिलता है, अगर मैं यहाँ पे सेट करता हूँ तो वो क्रैश हो जा रहा है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे क्रैश हो रहा है, तो हो सकता है इन लोग फ्यूचर में फिक्स कर दे इस बग को। तो ये छोटा सा बग है जो उतना मैटर नहीं करता। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 UI क्रैश हो जा रहा है इसका। हाँ, बहुत ये छोटा सा बग मैंने फेस किया, उसके अलावा मैंने अभी तक कोई बग फेस नहीं किया इस रोम में, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ पे कैमरा भी बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है, फ्रंट कैमरा बैक कैमरा, तो मुझे कोई बग देखने को नहीं मिला है। और मैं बताऊँ तो बैक फ्रंट कैमरा में ब्यूटी ज़्यादा आ गया है, और यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी 60 FPS में बिल्कुल अच्छे से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जल्दी से मैं आपको इसका वायरलेस चार्जिंग दिखा देता हूँ, तो वायरलेस चार्जिंग भी बिल्कुल अच्छे से चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है वायरलेस चार्जिंग में। तो यही है कुछ, अब मैं आपको बता देता हूँ इसको इंस्टॉल कैसे करना है, तो जल्दी से हम लोग इसको इंस्टॉल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको TWRP रिकवरी खोल लेना है अपना, और यहाँ पे वाइप में चले जाना है, फिर यहाँ पे वाइप डेटा, वाइप सिस्टम कैचे और सब कुछ कर देना है। अब यहाँ पे आपको ये सब वाइप करके अब यहाँ पे जाके आपको फॉर्मेट में जाके यस कर देना है, यस टाइप करके आपको अब यस कर देना है। अब आपका सिस्टम के जितने भी डाटा है सब डिलीट हो गए होंगे। आपको डेस्कटॉप में ये फाइल आपको कॉपी करना है रोम का, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे आपको इंटरनल स्टोरेज में अपने पेस्ट कर देना है उसको, तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ इंटरनल स्टोरेज में। सो गाइस ये पेस्ट हो गया हमारे इंटरनल स्टोरेज में। आपको इंस्टॉल में क्लिक करना है, इंस्टॉल में आपको ये रोम दिखेगा, इसको आपको स्वाइप अप कर देना है। तो यहाँ पे हमारा फ्लॉइड रोम आ गया है। अब यहाँ पे आपको अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो देख के, तो यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है, नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना है, और यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको अपना कंट्री सेट कर देना है, तो मैं इंडिया कर देता हूँ इसको सेलेक्ट। और यहाँ पे आपको अपने हिसाब से कैसे मोड्स रखना चाहते हो तो वो रख सकते हो,
तो मुझे जो जो रखना है वो मैं रख दिया हूँ, डुअल स्पीकर वगैरह। और यहाँ पे आपको कीबोर्ड और मतलब इमोजी कैसा रखना है कीबोर्ड में वो है। यहाँ पे आपको ऐप सेलेक्ट कर लेना है कौन कौन सा आप ऐप रखना चाहते हो एक्स्ट्रा। और यहाँ पे आपको कुछ CSC के फीचर मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको ऐप्स मिल जाते हैं, तो मैं कुछ कुछ ऐप सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ब्लैक डायमंड जैसा रोम के जैसे ऐप्स में भर कर तो नहीं है पर कम है, इसलिए इसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल कर लेना है, ये हमारा रोम इंस्टॉल होने लगा है तो हम लोग वेट कर लेते हैं। थोड़ा बूट होने में टाइम लगेगा तो आप डरना मत, क्योंकि वो अच्छे से खुल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो गाइस यहाँ पे रोम इंस्टॉल हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको लाइक करना मत भूलना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।